परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और सिद्ध बलिदान के लिए, अद्भुत योजना के लिए और सुसमाचार के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचनों के लिए और मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए, सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये सब आपकी ओर से सब विश्वास करने वालों के लिए, ताकि हम मसीह के द्वारा सिर्फ उद्धार ना पाएं बल्कि अनंत जीवन भी प्राप्त करें और मृत्यु पर भी जयवंत होकर आपकी महिमा का कारण बने, जिससे प्रभु आपका वचन सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो। इस योजना के अंतर्गत हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में ये कार्य हो, आपकी ओर से उसे प्रत्येक विश्वास करने वाले को सिद्धता प्राप्त हो और आपका नाम मिले। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको मिले और हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा का कारण बने। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आप पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी प्रकट हों और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब विश्वास करने वालों के ऊपर बनाए रखता है, और उसकी महिमा हम सब के जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए और उसका नाम सब विश्वास करने वालों के जीवन में महिमान्वित होने पाए। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 65। आज हम देखेंगे व्हाई इज द पास ओवर इम्पॉर्टेंट, ये फसह क्यों महत्वपूर्ण है। द पास ओवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड, सिंस इट इज द की ट्रूथ लीडिंग टू सेल्वेशन। यानी ये फसह इसलिए आवश्यक है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और ये उस सच्चाई की चाबी है जो उद्धार को की ओर ले जाता है। द बाइबल सेज दैट द गोल ऑफ आवर फेथ इज द सेल्वेशन ऑफ आवर सोल्स। बाइबल हमें बताती है कि हमारे विश्वास का लक्ष्य हमारे प्राणों का उद्धार है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। सबसे पहले उद्धार हमारे शरीर को नहीं मिलेगा, हमारे प्राणों को मिलेगा, यानी भीतरी मनुष्यत्व सोल, और सोल का उद्धार नहीं हो। विश्वास का जो रिजल्ट है, सच्चा विश्वासी वही जिसका प्राणों का उद्धार हो गया, यानी प्राणों का पुनरुत्थान हो जाना, नए सिरे से हमारा प्राण हमारे अंदर फिर से नया कर दिया जाना जीवित रहते हुए। और इसी के साथ साथ द सोल हु डू नॉट बी सेव, और वो प्राण जो मसीह में नहीं है, जिसका उद्धार नहीं हुआ या जिसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, यही प्रथम पुनरुत्थान है, जिसका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, विल डाई इन हेल, वो प्राण नरक में मरेगा, उसका जो अंत है वो नरक है, बिकॉज ऑफ देयर सिंस, उसके पापों के कारण। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु के द्वारा नहीं,
आपको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है और यीशु मसीह में उद्धार मिलता है, दोनों एक साथ है। वही सब कुछ करने वाला, यानी हम उद्धार प्राप्त नहीं करते, वो हमको उद्धार देता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 12 13 14 15 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील ये है दूसरी मृत्यु, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो उस द्वितीय मृत्यु का भागी हुआ, यानी आग की झील में डाला गया। ये आग की झील इटर्नल पनिशमेंट है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां सारी यानी हम जो अनंत जीवन है और इधर अनंत दंड है, ऐसा दंड जिसका कोई अंत नहीं। और ये दो रास्ते आगे जाके हो जाते हैं। ये यीशु मसीह के बलिदान के बाद का सीन आ गया। द सेल्वेशन ऑफ द सोल इज टू एस्केप फ्रॉम डेथ एंड रिसीव इटर्नल लाइफ। और उद्धार का मतलब है मनुष्य का प्राण इस द्वितीय मृत्यु से बचकर अनंत जीवन में जाए, अनंत दंड से बचकर अनंत जीवन में जाए। ये है उद्धार का असली मतलब। अभी तक लोगों को इसका सही मतलब नहीं मालूम है। गॉड प्रॉमिस्ड इटर्नल लाइफ टू हिज पीपल। परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है अनंत जीवन का। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, यानी वायदा किया, प्रॉमिस किया, वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन का वायदा है और इस वायदे को वो केवल उन्हीं लोगों के जीवन में पूरा करेगा जो आज अपना जीवन प्रभु में, ये लिखा है प्रभु में मरना और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेना, ताकि अनंत जीवन में हम प्रवेश करें, ना कि अनंत दंड में जाएं। एंड ऑल्सो टॉट देम, यानी परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया अनंत जीवन का। एंड ऑल्सो टॉट देम हाउ टू रिसीव इटर्नल लाइफ। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर विश्वास करने वाले बॉर्न अगेन बिलीवर को, या नए आत्मिक रूप से जन्मे व्यक्ति को जो विश्वासी है, उसे ये सिखाता है कि अनंत जीवन तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। मिल तो जाता है, लेकिन उस उद्धार के मार्ग में जब तक आप जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, प्राप्त करना है इसको। दैट इज द पास ओवर ऑफ द न्यू कोवेनेंट। ये नई वाचा का फसह का पर्व ये है, यानी जो फसह की विधि वहां बताई गई थी फिजिकली उन लोगों को मिस्र से छुटकारा देने के लिए, उस गुलामी से छुड़ाने के लिए, वही विधि स्पिरिचुअली कलीसिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए तरीका रखा। द सेम मेथड, बस फिजिकल है, इधर स्पिरिचुअल है। तो हम लोगों को क्या चीज, प्रिंसिपल्स बाइबल में दिए हुए हैं, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। परमेश्वर ने अंत की बातों को आरंभ में ही दिखा दिया।
ये सारी चीजें ये स्पष्ट कर रही हैं। और यीशु मसीह ने कहा, तीन बातें मैंने आपको बताई, यीशु मसीह ने तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता परंतु जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को उसी रीति से पुत्र भी करेगा। तो जैसे पिता ने इसराइलियों को गुलामी से छुड़ाया था मिस्र की गुलामी से, वैसे ही यीशु मसीह अपने लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाएगा। ये तीन बातें जो बाइबल में लिखी हुई नए नियम में, ये वो प्रिंसिपल है जिससे हम उसी बात को वहां पर देखें जो फिजिकली है और पवित्र आत्मा के द्वारा उस सच्चाई को समझें जो स्पिरिचुअली हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होनी है, और गंभीरता के साथ उस मार्ग में आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, उसके वायदे पूरे होंगे तो उसकी महिमा होगी। और हम अपने जीवन में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, कंफ्यूजन, भ्रम की आत्मा, झूठा सुसमाचार, इन सब बातों के कारण लालच में पड़कर गलत चीजों को मानने लगते हैं जो कि गलत है। अज्ञानता की बातों को मानना नहीं है, परमेश्वर का वचन अज्ञानता को खोलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और हम लोग आज भी अज्ञानता में हैं, हमारे विश्वास में अज्ञानता भरी हुई है, भ्रम का विश्वास है। हम लोग इस सीरीज में वाई द पासओवर इज इंपॉर्टेंट, हमने इस बात को बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग स्टडी करेंगे जिसकी आज शुरुआत हो रही है और ये हम सैटरडे तक कंप्लीट कर देंगे। की ट्रूथ ऑफ इटर्नल लाइफ एंड सेल्वेशन, यानी अनंत जीवन और उद्धार की जो चाबी है वो यहीं पे मिलेगी फसह के मेमने में, फसह के पर्व की विधि में। और इसलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे। द पासओवर इज गॉड्स कमांड, ये जो फसह का पर्व है ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी और इसमें करना कुछ नहीं था। इंपॉर्टेंस ऑफ द पासओवर की ट्रूथ ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी ये इंपॉर्टेंस ऑफ द पासओवर की ट्रूथ ऑफ इटर्नल लाइफ, फिर लीडिंग टू हेवन थ्रू द पासओवर, परमेश्वर किस प्रकार हम लोगों को इस पासओवर के यानी इस फसह के पर्व के द्वारा कैसे वो स्वर्ग के राज्य में लेकर जा रहा है, ये तीन पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और जिसमें से हम आज आपको पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, द पासओवर इज गॉड्स कमांड। ये जो फसह का पर्व था ये परमेश्वर की ओर से एक विधि थी जिससे छुटकारे की सामर्थ्य काम करेगी। परमेश्वर ने, अब हम आपको बताते हैं, मिस्र में जब इजरायली लोग गुलामी में थे उस समय दो प्रकार की मनुष्य जाति थी पृथ्वी पर, एक खतना रहित और एक खतने वाले। परमेश्वर ने खतने के चिन्ह को, जो परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने उससे बांधी थी अब्राहम से, उस वाचा का चिन्ह था खतना। लेकिन जब उसकी जनरेशंस आगे आती हैं, अब्राहम के बाद इजहाक, इजहाक के बाद याकूब, याकूब से 12 गोत्र बने, यानी नेशन बन गया, पूरा राष्ट्र बन गया, इतनी जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ गई और सब खतने वाले थे तो परमेश्वर ने खतने के चिन्ह से मनुष्यों में अंतर नहीं किया, दो ही प्रकार के लोग थे, खतने वाले खतना रहे। तो परमेश्वर ने फसह की विधि का क्यों प्रयोग किया, ये क्यों दिया गया और ये कमांड के रूप में दिया गया था, आज्ञा थी ये। इसका कारण कि इसमें कुछ ऐसी चीजें छिपी थी जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा नए नियम में समस्त मानव जाति के लिए पापों की गुलामी छुड़ाने के लिए करने वाला था। परमेश्वर बड़ी लंबी योजना में काम करता। देखिए, वहां पे फसह के पर्व के द्वारा या फसह की विधि के द्वारा इसराइलियों का छुटकारा किया मिस्र की गुलामी से, और इस पूरे विवरण को आप जब वहां जाके पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रकाश के बिना, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आपको इसके की पॉइंट्स कभी भी नहीं मिलेंगे जो नए नियम के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता चलती है। तो पवित्र आत्मा इंडिविजुअल पर्सन में वैसे काम नहीं करता है। आप बॉर्न अगेन है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा एज ए टीचर आपके अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए नियुक्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा एज ए टीचर
गलीसिया के लोगों जिनमें जो बॉर्न अगेन है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उनको वो सत्य बताता है और उनको वो सत्य ग्रहण योग्य होता है क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा के अभिषेक में उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्लोज सर्किट बनाया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा के एक सेवक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना अभिषिक्त लोगों के लिए। और इस चीज को आज के जमाने में लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। हर व्यक्ति कहता है कि हम पवित्र आत्मा से, तो सब वो हर एक व्यक्ति टीचर हो गया तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को यानी रखवाले नियुक्त करके, सुसमाचार प्रचार, यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में लोगों को नियुक्त कर रहा है। ये पवित्र आत्मा के वरदान कहते हैं इन व्यक्तियों को जिनके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। इसको आज मिस इंटरप्रिटेशन करके और एक गलत रूप में हर व्यक्ति को इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़ा किया, ये गलत है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है। इसलिए द पासओवर इज गॉड्स कमांड। अनदर रीजन द पासओवर इज इंपॉर्टेंट इज दैट गॉड एस्टैब्लिश्ड इट, परमेश्वर ने ही इसको स्थापित किया। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम्स गॉड द फादर यहोवा कमांडेड हिज पीपल टू कमेमोरेट द पासओवर फॉर द जनरेशंस टू कम एज अ लास्टिंग ऑर्डिनेंस। यानी युगों से युगों तक की एक विधि बनाई थी, युगान युग तुम इसका पालन करना। अब आप बताइए वो युगान युग यानी एक इस युग में भी और आने वाले युग में भी। उस युग में जो पुराना नियम का समय था वो बीसी काल था, वो एक युग था, और हम जिस युग में हैं एडी काल, ये एक युग है और एक युग और आने वाला है, नई सृष्टि यानी परमेश्वर के राज्य का युग। अब आप ये बताइए कि उस युग से इस युग और इस युग से उस युग, युगों से युगों तक की विधि बताई थी फसह का पर्व, कि ये कहां गया आज? आज इस आज्ञा का कोई पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए लोगों को ना तो उद्धार मिल रहा, तो आनंद जीवन कहां से मिलेगा? अगर उद्धार नहीं मिला तो आनंद जीवन तो भूल जाइए, आनंद जीवन नहीं मिलेगा और फिर किंगडम भी भूल जाइए। कमांडेड हिज पीपल टू कमेमोरेट द पासओवर फॉर द जनरेशन टू कम एज अ लास्टिंग ऑर्डिनेंस, इट इज द लॉर्ड्स। अब आप इसके मेरे लिए आप इसको एक पद पढ़ सकते हैं, इट इज द लॉर्ड्स पासओवर, द ब्लड विल बी अ साइन फॉर यू ऑन द हाउसेज वेयर यू आर, एंड व्हेन आई सी द ब्लड आई विल पास ओवर यू, नो डिस्ट्रक्टिव प्लेग विल टच यू व्हेन आई स्ट्राइक इजिप्ट, दिस इज अ डे यू आर टू कमेमोरेट फॉर द जनरेशन टू कम, यू शैल सेलिब्रेट इट एज अ फेस्टिवल ऑफ द लॉर्ड, अ लास्टिंग ऑर्डिनेंस। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 11 से 14 तक पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय का 11 से 14, जो असली इंपॉर्टेंस है इसकी वो यहां पर है 11 से 14। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधकर, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे, हमने आपको बताया था ना इसके खाने की विधि में बड़ा भेद है, उसको फूर्ती से खाना जी, इसका मतलब यानी आप निकलने के लिए जैसे ही तैयार हो कि आप घर छोड़ना है, बस इसको खाना और घर छोड़ देना जी, वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलौठों को मारूंगा और मिस्र के ओफो मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, यानी पनिशमेंट मिलेगा उनको। ये परमेश्वर का न्याय का तरीका है जी, मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो मेमना जिसका मांस तुम खाना, फसे का मेमना, उसका ब्लड तुम अपने घरों के चौखट के अलंग पर लगा देना, और जिन घरों पे वो लहू लगा होगा वही चिन्ह ठहरेगा तुम्हारे लिए, अर्थात
मैं उस लहू को देखकर छोड़ दूंगा, जिस घर पे लहू होगा उसको छोड़ के आगे वाले घर पे ले लूंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति कैसे, ये कैसे संभव है? जो फसे के मेमने का मांस खाएगा और जिसके शरीर में, जिसके ये शरीर हमारा घर है प्राणों का, जब वहां पे घर दिखाया ना, वैसे ये शरीर हमारा घर है आत्मिक जीवन में आइए, तो जिनके शरीर पर यीशु मसीह का लहू लगा होगा, और जो हमारा फसे का मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो उसका मांस खाएगा। हमने यानी फसे की विधि को पूरा किया जैसे वहां लिखा है, तो उनको मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब यह कि उनके ऊपर मिस्र में जितनी विपत्ति परमेश्वर डालेगा, महामारियां, उनका कोई असर नहीं, तब वो विपत्ति तुम पर नहीं आएगी और तुम नष्ट नहीं होगे, और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाली, स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व, यानी तुम्हारे लिए यह पर्व का समय होगा खुशी मनाने का, देखो प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें बचाया। आप खुद अपनी युक्ति से बच रहे हैं कि यहां परमेश्वर की आज्ञा मानकर बच रहे हैं? तो जितने लोग आज्ञा नहीं मानेंगे वो नहीं बचेंगे, उन पर विपत्ति आएगी, निपट जाएंगे और दलीलें देंगे। आज का व्यक्ति विश्वास नहीं करता लेकिन दलीलें बहुत बड़ी बड़ी देता है। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कैसे, किसको निकालना है ये परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर तरीका बता रहा है। इन द न्यू टेस्टमेंट, अब नए नियम में आ जाइए, इन द न्यू टेस्टमेंट टाइम्स टू गॉड द सन जीसस, गॉड द सन जीसस कमांडेड हिज पीपल टू कीप द पासओवर। यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर पुत्र ने भी अपने लोगों को बोला था कि ये फसह की विधि को मानना। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फीस्ट ऑफ अनलीविंड ब्रेड द डिसाइपल्स केम टू जीसस एंड आस्क्ड, वेयर डू यू वांट टू अस टू मेक प्रिपरेशंस फॉर यू टू ईट द पासओवर। सो द डिसाइपल्स डिड एज जीसस हैड डायरेक्टेड देम एंड प्रिपेयर्ड द पासओवर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 17 से 19 पढ़िए, 26 अध्याय का 17 से 19 पद तक। अब अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाओ, उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा, यानी फसह का पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई वो बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। आपने ये देखा होगा द लास्ट सफर पिक्चर, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे हैं, यही फसह के पर्व का भोजन था, यीशु मसीह ने लास्ट किया था, इसके बाद क्रूसीफाई हुआ, इसीलिए इसको आखिरी फसह का भोज कहते हैं यीशु मसीह का। जी, जब वे खा रहे थे तो उसने, यानी यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वो बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वो मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। यहां पे देखिए, बैरी अधिक चुंबन करता है, ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा। जो आपका सच्चा बैरी होगा ना, वो प्यार जताएगा बहुत लेकिन करेगा नहीं। जी,
मनुष्य का पुत्र, तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता, तब उसने पकड़वाने वाले यहूदा से कहा, हे रब्बी, तब आखिर में वो पकड़वाने वाला जो था यहूदा, उसने यीशु मसीह से कहा, क्या वो मैं हूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू कह चुका। अब देखिए, ये फसह का भोज यीशु मसीह कर रहा था, क्योंकि ये यीशु मसीह का चेलों के साथ आखिरी भोज था फसह का, इसीलिए इसको द लास्ट सपर बोलते हैं। ये आखिरी भोजन था। इसके बाद उसने वादा किया था चेलों से कि मैं परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे साथ इसके बाद नहीं खाऊंगा। तो यीशु मसीह नहीं खा रहा। अब वो सीधा पूरी कलीसिया जिसको वो हवा में लेके जाएगा उनके साथ खाएगा। तो क्या आप आज इस बात को नहीं जानते तो उस वहां पे आप कैसे जा पाएंगे जब आपको कुछ मालूम ही नहीं है? द पासओवर इज एन इम्पॉर्टेंट फीस्ट दैट गॉड कमांडेड टू सेलिब्रेट इन ऑल एजेस। यानी हर युग में परमेश्वर इस विधि को मनाने के लिए बोला था, उसने युगों से युगों तक का था। लोग इन चीजों को नहीं जानते। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ गॉड कमांडिंग टू कीप द पासओवर वाज टू इमैनिसिपेट द इजराइलाइट्स फ्रॉम स्लेवरी इन इजिप्ट। यानी इसका उद्देश्य पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो ये फसे के पर्व का उद्देश्य इजराइल मिस्र से इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना था। ये छुटकारे का पर्व था। एंड हिज अल्टीमेट गोल वाज टू लीड देम टू कनान। और इसका एक्चुअल में केवल छुड़ाना नहीं था, उनको छुड़ाकर उनको एक देश दिया था, प्रॉमिस्ड लैंड यानी कनान, जो आज इजराइल द नेशन कहलाता है। परमेश्वर उनको वहां ले जाके स्थापित करने तक का पूरा जिम्मेदारी वाला वो पूरा काम परमेश्वर ये इस प्रॉमिस में कर रहा है, अगर इसको करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये पूरा करूंगा। इट इज द सेम इन द न्यू टेस्टमेंट टाइम। ये बिल्कुल ऐसे ही नए नियम में भी करेगा। अब कितने लोगों को आज ये बात मालूम है कि परमेश्वर की विधि क्या है, कैसे वो आज अंतर करेगा परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में कैसे अंतर पैदा होगा? अगर सबको ये सच्चाई मालूम हो और सब लोग विश्वास करें और आज्ञा मानने लगे, तो जितने आज्ञा मानेंगे वो सब बचा लेगा वो। और इसीलिए इट इज द सेम इन द न्यू टेस्टमेंट टाइम्स गॉड कमांडेड हिज पीपल टू कीप द पासओवर इन ऑर्डर टू इमैनिसिपेट देम फ्रॉम स्लेवरी टू सिन एंड डेथ एंड फाइनली लीड देम टू द किंगडम ऑफ हेवन द स्पिरिचुअल कनान। जो परमेश्वर का राज्य है कलीसिया के लोगों के लिए, वो हमारे लिए स्पिरिचुअल कनान है, समझ। और हमको वहां तक पहुंचाने का जो तरीका उसका है वो हम काहे के वश में है, हम पाप के गुलाम हैं और मृत्यु के गुलाम। तो हमको पहले परमेश्वर कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारी आत्मा में हमारा जन्म होता है जब हम विश्वास करते हैं, और फिर पवित्र आत्मा वहां से हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता है ताकि हम मसीह में हमारे प्राणों का उद्धार हो जाए या पुनरुत्थान हो जाए। और इस प्रकार यीशु मसीह के आने पर हमें पुनरुत्थान की देह मिले और हम उसके साथ किंगडम और हेवन की तरफ, यानी उस स्पिरिचुअल कनान की तरफ हमें लेके जाए। तो हमको वैसे ही एकदम सेम चीज है। कल हम इसके आगे के पार्ट्स को भी देखेंगे और अभी आपको इसके द्वारा इतने भेद मिलेंगे जो नए नियम में डायरेक्टली आपको मिलेंगे ही नहीं जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उस अद्भुत योजना के लिए। यदि कोई मनुष्य ये योजना जानता होता तो लोगों को उद्धार मिल जाता आसानी से, लेकिन प्रभु आपने सब कुछ अपने हाथों में रखा है। उद्धार की पूरी योजना और उद्धार का पूरा कार्य आप स्वयं करते हैं, और इसलिए प्रभु आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य में मनुष्य समर्पण के द्वारा ही प्रवेश पाता है, और समर्पित होकर जब वो चलने लगता है तभी वो उद्धार पाता है, और उसके बाद आगे की सारी बातों में वो
आपके वश में होकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाता है। इसलिए प्रभु हम आपकी विधि को जान गए और इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा जो सत्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट हो रहा है वो सत्य को लोग जाने, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु हम तमाम कंफ्यूजन के वश में हैं, हम तमाम प्रकार की भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, हमें छुटकारा चाहिए। केवल हमें छुटकारा देने वाले आप हैं, आपके बिना हमें छुटकारा मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभु अपने अपने जीवनों को आपके आगे समर्पित करके आपसे कहते हैं हे प्रभु हमारा उद्धार कर, क्योंकि उद्धार करता ही उद्धार दे सकता है, हमें उद्धार ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु आपके वचन का आदर करते हुए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है आज आपके सामने समर्पित भाव से ये कहना चाहते हैं कि हमें उद्धार तभी मिलेगा जब हम अपने आप को अपने प्रभु को समर्पित करेंगे और उस पर भरोसा करेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वो हमारी मार्गदर्शन कर रहा है उन बातों की को आज्ञा मानकर, जैसा बताया जा रहा वैसा मानकर अपने जीवन को वैसा ही चलने लगेंगे अपने जीवन में, तो हम आपके द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे और उस महिमा के भाग होंगे जो आप प्रकट करने जा रहे हैं। सारी महिमा आपकी हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।